ठीक है ना बेटा? यस सर। दिया यस सर। भैया, आपका पहला क्वेश्चन है, उसमें जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, आपके पास एमसीक्यू आते हैं ना बेटा, तो पहला क्वेश्चन है आपके, उसके चार ऑप्शन हैं ए बी सी डी। तो इस क्वेश्चन को, पहले क्वेश्चन को आप कितने तरीके से कर सकते हैं, या तो आप पहले क्वेश्चन का आंसर ए लगाओगे, या बी लगाओगे, या सी लगाओगे, या डी लगाओगे। तो पहला क्वेश्चन करने के तरीके आपके, मतलब कितने तरीके से आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हो, चार तरीके से कर सकते हो, नहीं कर सकते? यस सर। तो हर एक क्वेश्चन, फर्स्ट फाइव क्वेश्चन, अब देखो इसका सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे। फर्स्ट फाइव क्वेश्चन कैन बी अटेम्प्टेड इन थ्री वेज ईच, एंड लास्ट टू क्वेश्चन, लास्ट टू क्वेश्चन कैन बी अटेम्प्टेड इन टू वेज ईच। तो देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ वेज कितना होगा, थ्री मल्टीप्लाइड बाय थ्री, सॉरी चार चॉइस में, सॉरी, और मल्टीप्लाइड बाय फोर। इतने तरीके आएंगे बेटा इसको सोल्व करने। तो ये हो गया 3 की पावर 5 × 4 की पावर 2, ये आ गया आपका 243 × 16, जो भी आएगा। अब मुझे ये बताओ दिया, आपको इसमें क्या दिक्कत आ रही है, ताकि मैं उसी तरह से समझाऊंगा आपको, और नहीं आ रही तो बहुत ही बढ़िया बात है। बोलो, और नहीं, सब कुछ क्लियर है। सब कुछ क्लियर है बेटा? इसका रोहित, इसका मल्टीपल कितना आ रहा है? करो बेटा बाकी मृदुल, सर 3888। कितना? 388। ट्रिपल एट। यस सर। ये ठीक है, चलो। तो ये तो हमारा पहला क्वेश्चन हुआ है कि भाई 7 मल्टीपल चॉइस करने हैं, क्वेश्चंस करने हैं। फर्स्ट फाइव के आपके 3 चॉइसेस हैं और लास्ट टू के आपके 4 चॉइसेस हैं। तो पहला 5 क्वेश्चंस आपके 3 तरीके से कर सकते हो, हर एक क्वेश्चन को 3 तरीके से कर सकते हो, और लास्ट के 2 क्वेश्चन हम 4 तरीके से कर सकते हैं। तो हमारा टोटल नंबर ऑफ वेज हो गया 3 की पावर 5 × 4 का स्क्वायर, 3 की पावर 5 × 4 का स्क्वायर, दिस इज द टोटल नंबर ऑफ वेज। चलिए, ये तो हमारा पहला, ये सबको समझ में आ ही गया। सेकंड प्रॉब्लम और करते हैं फिर आपकी, और देखो किस तरह से होता है। देयर आर इन हाउ मेनी वेज 5 लेटर्स। बेटा आप बाकी के लोग जवाब नहीं देंगे, बस आप समझते चलिए, जब मैं बोलूंगा तब जवाब देंगे। कैन बी पोस्टेड इन 3 लेटर बॉक्स। 5 लेटर को हम 3 लेटर बॉक्स में किसी तरीके से पोस्ट कर सकते हैं। भाई आपके पास 5 लेटर है और लेटर बॉक्स है 3, तो इन 5 लेटर को 3 लेटर बॉक्स में कितने तरीके से पोस्ट कर सकते हो आप? तो बेटा दिया, तुम ये बताओ कि पहला लेटर कितने तरह से पोस्ट हो सकता है? भाई आपके पास 5 लेटर है, पहला लेटर कितने तरीके से पोस्ट हो सकता है? 5 5। बेटा लेटर्स हैं 5, लेटर बॉक्स है 3, आपके पास 5 लेटर है, उसमें से एक पहला लेटर उठाओ, उसमें कौन कौन से कितने लेटर बॉक्स हैं, उसमें कितने कितने तरीके से उसको पोस्ट कर सकते हो? 3 3। बाकी को क्लियर है ना ये चीज? तो भाई हर एक लेटर कितनी तरीके से पोस्ट हो सकता है, जैसे आपके पास 3 लेटर बॉक्स हैं, पहला लेटर उठाओ,
तो पहला लेटर उठाने के, पहला लेटर को पोस्ट करने के तरीके बेटा तीन हो गए, क्योंकि हमारे पास तीन लेटर बॉक्स है। अच्छा, इसी तरह दूसरा लेटर भी पोस्ट करने के तरीके, थ्री, वेरी गुड। और तीसरा लेटर भी पोस्ट करने के तरीके, थ्री। चौथा लेटर भी पोस्ट करने के तरीके, भाई किसी भी लेटर बॉक्स में डाल दोगे। इसका मतलब हर एक लेटर किसी तरीके से पोस्ट हो सकता है, एवरी लेटर कैन बी पोस्टेड इन थ्री वे इन एनी वन ऑफ द थ्री लेटर बॉक्स। भाई आपने लेटर उठाया तो वो लेटर कोई से भी लेटर बॉक्स में जा सकता है। एवरी लेटर कैन बी पोस्टेड इन एनी वन ऑफ द लेटर बॉक्स, थ्री लेटर बॉक्स। ये आया कि समझ में कंगना? यस सर। कोई भी लेटर, एवरी लेटर कैन बी पोस्टेड इन एनी वन ऑफ द थ्री लेटर बॉक्स। कोई भी लेटर कोई से भी तीन लेटर बॉक्स में जा सकता है। दिया, ये समझ में आया? यस सर। इसमें कोई डाउट है तो पूछ ले। भाई पहला लेटर उठाया आपने, आपके पास तीन लेटर बॉक्स दिख रहे हैं, किसी में भी डाल दो। दूसरा लेटर उठाया तो वो लेटर बॉक्स मना थोड़ी करेगा कि मेरे अंदर एक लेटर आ गया तो आप मत डालो, है? लेटर बॉक्स में तो आप कितने भी लेटर डाल सकते हो। तो पहला लेटर उठाया उसको डाल, उसको आपको पोस्ट करने के तरीके तीन। दूसरा लेटर उठाया उसको भी पोस्ट करने के तरीके तीन। तीसरा लेटर उठाया उसको भी पोस्ट करने के तरीके तीन। चौथा लेटर उठाया उसको भी पोस्ट करने के तरीके तीन। और पांचवा लेटर उठाया उसको भी पोस्ट करने के तरीके तीन। तो बेटा नंबर ऑफ वेज कितना हो गया? थ्री मल्टीप्लाइड बाय थ्री मल्टीप्लाइड बाय थ्री मल्टीप्लाइड बाय थ्री मल्टीप्लाइड बाय कितना आ गया बेटा? कितने वेज आ गए? पांच लेटर को तीन लेटर बॉक्स में डालने के तरीके कितने आ गए? बोलिए साहब। 243 वेज। 243। क्या सबको समझ में आया? यस सर। यस बेटा, किसी के दिमाग में कोई दूसरी बातें चल रही हो, देखो यहाँ पर आपको चीजें हमसे डिस्कस करनी पड़ेगी। भाई औरों के सबसे बोल रहा हूँ मैं, आपके दिमाग में चल रहा हो कि सर ऐसा भी तो कर सकते हैं वैसा भी कर सकते हैं, तो वो आप मुझसे बोलिए, फिर मैं बताऊंगा कि आप कहाँ गलत सोच रहे हो। भाई आपको यदि समझ में आ गया बहुत बढ़िया बात है, लेकिन आपके दिमाग में और कुछ चल रहा है कि सर ये तो ऐसा भी तो हो सकता है, ठीक है। उसने ये नहीं बोला है कि आपको एक लेटर में, एक लेटर बॉक्स में एक ही लेटर डालना है। उसने बोला कितने भी डालो लेटर बॉक्स में। तो भाई जैसे मैं तुमको इसको समझाने का एक बहुत बढ़िया तरीका बताता हूँ, इस क्वेश्चन को समझाने का। देखो वैसे तो ये है, लेकिन ठीक है मैं मल्टीप्लीकेशन समझाने का तरीका बोल रहा हूँ। आप एक क्लास में एंटर हुए भाई, चार जने, और उसमें 10 सीटें खाली पड़ी हुई आपकी, और चार जने एंटर हुए भाई। अब चार जने कौन कौन एंटर हुआ? कंगना एंटर हुई, दिया एंटर हुई और मृदुल एंटर हुआ, और रोहित एंटर हुआ। सपोज ये चार जने एंटर हुए, तब सबसे पहले कंगना गई। तो बेटा कंगना को कोई से भी 10 सीट खाली पड़ी है, तो उसके बाद कितनी चॉइस है बैठने की? 10 चॉइस है। अब वो जाके बैठ गई। अब दिया एंटर हुई, बेटा दिया आपको कितने बैठने की चॉइस है? 9 बिल्कुल सही है। तो दिया वे भी बैठ गई भाई। फिर मृदुल एंटर हुआ। अब बेटा मृदुल आपके लिए कितनी चॉइस बची? 8 और फिर रोहित एंटर हुआ, अब तुम्हारे लिए कितनी बची बेटा रोहित? 7 तो टोटल वेज कितने हो गए? 10 × 9 × 8 × 7। ये तो तब है कि जब एक एक जगह भरती जा रही है, लेकिन जब हम बात कर रहे हैं लेटर बॉक्स की, जैसे ये लेटर बॉक्स है तीन, ये लेटर बॉक्स नंबर 1 LB1, ये LB2 है और ये LB3 है। तो बेटा इसमें ये मना नहीं करेगा कि भाई मैं, मेरे अंदर एक लेटर आ गया तो आप मत डालो। क्या लेटर बॉक्स कभी मना करता है कि भाई आप, मेरे अंदर लेटर पड़ा हुआ है आप मत डालो? हैं, कितने भी डालो उसमें कौन मना कर रहा? अब पहला लेटर उठा दो, ये पहला लेटर, ये लेटर 1,
अब लेटर वर्ब में आया आपका, तो बेटा वो यहाँ पर भी आ सकता है, यहाँ पर भी डाल सकते हो, यहाँ पर भी डाल सकते हो। बोलो क्लियर है कि नहीं? यस सर। इसका मतलब लेटर वन को पॉज करने के तरीके आपके पास तीन है। अब दूसरा लेटर उठाया आपने, तो बेटा उसके लिए भी तो तीन ही तरीके होंगे, वो भी कहीं भी जा सकता है। बोलो क्लियर है कि नहीं? यस सर। और इसी तरह तीसरा लेटर भी आपका कितनी भी तरीके से जा सकता है, चौथा लेटर भी तीन तरीके से जा सकता है क्योंकि तीन लेटर बॉक्स है, और पांचवा लेटर भी तीन तरीके से जा सकता है। इसलिए हमारा टोटल नंबर ऑफ वेज कितना हो गया बेटा, 3 × 3 × 3 × 3 × 3। अब आया क्या समझ में बेटा, समझ में आया क्या? यस सर। चलिए और देखते हैं, एक और इसी टाइप की प्रॉब्लम है भाई। ये तो सब कर चुके हैं, देखो इनको, इनको तो ये तो रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है। इससे मैंने इनको अभी मना कर रखा है कि भाई कोई कुछ नहीं बोलेगा। इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि आपको समझ में आना चाहिए, जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक फिर दिक्कत है। देखो फिर इन हाउ मेनी वेज थ्री रिंग्स कैन बी वॉन इन फोर फिंगर। तीन रिंग को चार उंगलियों में कितनी तरीके से पहना जा सकता है? बिल्कुल सेम है जो आपने पहले किया था और ये किया था, बिल्कुल सेम है जो मैंने लेटर बॉक्स वाला किया था और ये किया था, वो बिल्कुल सेम है। अब मैं जिससे पूछूं, पहले तो दिया आप ही बताओ, आप तीन रिंग को चार उंगलियों में कितनी तरीके से पहन सकते हैं? सोच के बताओ, गलत बताओ, मैं तो ये मानता हूँ गलत बताओ ताकि सही होने के चांसेस बने। बोलो कुछ भी बोलो जो आपकी इच्छा है। अच्छा, पहली रिंग को पहनने के तरीके कितने हैं ये बता दो। फोर। दूसरी रिंग? फोर। तीसरी रिंग को? फोर। तो कितने तरीके हो गए बेटा तीन रिंग को पहनने के? बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हर रिंग को पहनने के तरीके चार। बोलो क्लियर है कि नहीं आपको? यस सर। तो भाई हर एक रिंग आपकी कोई भी चार फिंगर में पहन सकते हैं भाई, ऐसा मना नहीं किया है कि भाई एक फिंगर में एक ही रिंग पहननी है। आजकल तो वैसे भी आपकी बहुत सारी रिंग पहनने की फैशन चला हुआ है, नहीं क्यों कंगना? क्या सर, सुना नहीं मैंने। मत सुन फिर, छोड़ दे। मैं बोल रहा हूँ कि आजकल फैशन है कि नहीं एक ही है ना उंगलियों में छह छह पांच पांच ही रिंग पहनने का है? हाँ सर, पर मैं नहीं पहनती। अच्छा तू नहीं पहनती, ओके। तो आप ऐसे लिखोगे, एवरी रिंग कैन बी वॉन इन एनी वन ऑफ द फोर फिंगर, एनी वन ऑफ फोर फिंगर। So therefore number of ways of wearing three rings in four fingers is equal to 4 × 4 × 4. So what is the total number of ways? कितना हो गया बेटा? 64 number of ways आ गए। इसमें कोई डाउट किसी को? नो सर। नो। चलिए नेक्स्ट। हाउ मेनी फोर डिजिट्स नंबर आर देयर विद डिस्टिंक्ट डिजिट्स? डिस्टिंक्ट डिजिट कितने फोर डिजिट नंबर बन सकते हैं लेकिन डिजिट्स अलग अलग होनी चाहिए? तो बेटा डिजिट्स नहीं कि मैंने, तो कौन सी डिजिट्स लोगे आप भाई? आपको डिजिट नहीं कि मैंने, तो कौन सी डिजिट्स लोगे? बोलो, आपको कुछ भी नहीं कि मैंने, बस आपसे तो बोल रहा हूँ बताओ चार डिजिट नंबर कितने बनेंगे, लेकिन डिस्टिंक डिजिट्स होनी चाहिए, अलग अलग नंबर होनी चाहिए। तो आप डिजिट कौन सी यूज करोगे भाई, ये तो बताओ मुझे।
अरे इनमें से नंबर लेना पड़ेगा जब कुछ नहीं बोला गया है तो इनमें से कोई भी एक नंबर लो 9 तक ये 10 डिजिट यूज करोगे आप जब कोई भी नंबर नहीं दिया गया है तो इन 9-10 डिजिट में से आप यूज करोगे और दो कैसे यूज करोगे देखो ये हमारा 4 डिजिट नंबर दिया कल बताया था इस प्लेस को भरने के तरीके 8 गलत दोबारा बोल सोच समझ के 8 क्यों बोला चलिए बता दे सॉरी सर 9 वेरी गुड 9 अब वापस से बोल इस जगह को भरने के तरीके बोल बेटा बोल नाइन बिल्कुल सही है घबराते घबराओ मत कोई भी बिल्कुल सही बोलो अपने पर कॉन्फिडेंस रखो अब बाकी के लोग बोलो बेटा इस वाली जगह को बनने के तरीके एट बेटा यहाँ 0 नहीं आ सकता इसलिए 9 है यहाँ 0 हो सकता है इसलिए अब 9 है अब यहाँ पर 8 और लास्ट वाला कितना आएगा 7 इतने नंबर बनेंगे बेटा क्या ये समझ में आया क्या यस सर यस दिया बोल बेटा यस सर तो टोटल नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर टोटल नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर तो ये आ गया बेटा 9 × 9 × 8 × 7 कितना आ गया काउंट मल्टीप्लाई करना भाई 4536 इतना नंबर आ गया बेटा इसमें किसी को डाउट नो सर तो ये तो बेटा हमारा फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन था दिस इज फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन को यूज किया हम अब मैं बात कर रहा हूं इसमें कोई दिक्कत आई कि बेटा फंडामेंटल प्रिंसिपल मल्टीप्लिकेशन जितने क्वेश्चन करवाए मैंने किसी को भी आज अभी जो करवाया दिया जो कल करवाया और आज करवाया नो सर क्लियर है बेटा क्लियर है ना यस और कंगना तेरा पहले पढ़ रखा था फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन अपनी क्लास में तो पढ़ा था ना तुमने हैं ओ लड़की कहाँ गई हाँ सर चल अब इसके बाद हम बात कर रहे हैं परम्यूटेशन ये हमारा पहला टॉपिक है भाई परम्यूटेशन का मतलब है अरेंजमेंट परम्यूटेशन मींस अरेंजमेंट ऑफ थिंग्स फिर आप बोलो सर पहले क्या कर रहे थे पहले भी यही कर रहे थे अरेंजमेंट ही कर रहे थे अरेंजमेंट ऑफ थिंग्स इज नोन एज परम्यूटेशन आपको अरेंज करना है चीजों को तो उसको हम परम्यूटेशन बोलेंगे जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं कि मैंने कोई भी 3 डिजिट ले लिए 1, 3, 7 अब इससे कितने नंबर बन सकते हैं तो देखो नंबर 3 डिजिट नंबर बनाना है रिपीटेशन अलाउड नहीं नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर रिपीटेशन अलाउड नहीं है भाई 137 173 317 371 713 731 कितने नंबर बने भाई काउंट करो कितने नंबर बने सिक्स नंबर इसका मतलब 3 नंबर को यूज करके हमने कितने नंबर्स बनाए बेटा कितना परम्यूटेशन हो गया इसका 6 अरेंजमेंट हो गए बेटा हमारे 6 नंबर ऑफ अरेंजमेंट इक्वल टू 6 ये हमारे इसके नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स होते हैं सर हाँ बेटा सर आप इसका कल वाला लेक्चर भी भेज देना
वीडियो कल वाला लेक्चर बेटा मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। ओके सर पर सर, लेकिन मैं एक काम करूंगा ना, जो मटेरियल तो है ना अपने पास पिछला वाला यार। हाँ है सर। हाँ तो वो वाला भेज देंगे, एक ही बात है वो तो, वो वाला वीडियो पढ़ा होगा उसका, वो भेज देंगे। ओके सर। वो तो पढ़ाया तो वही है ना जो पहले पढ़ाया था तुमने, और पीडीएफ भी है ही अपने पास, मैं भेज दूंगा। ठीक है, तो ये नंबर ऑफ थ्री डिजिट नंबर सिक्स हो गए बेटा, 1 2 3 4 5 6। आज का तो मैंने रिकॉर्ड कर लिया, लेकिन कल का मैं भूल गया रिकॉर्ड करने। तो ये थ्री डिजिट नंबर कितने बने? 6 बने बेटा, हर बार थोड़ी बनाते रहोगे। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे, स्टार मार्क करके लिख रहा हूं, नंबर ऑफ परम्यूटेशन, नंबर ऑफ परम्यूटेशन टेकिंग ऑल द एन थिंग्स, एन फैक्टोरियल। यदि आपके पास एन चीजें है और उनको अरेंज करना है, तो उसको अरेंज करने के तरीके होते हैं बेटा एन फैक्टोरियल। एन आइटम्स को अरेंज करने के तरीके एन फैक्टोरियल, आइटम को के तरीके जैसे कितने सब कोई दिक्कत आई थी अभी तो हो नहीं है? हाँ बेटा बोलो दोबारा, वो कुछ कनेक्शन की दिक्कत आ गई बेटा। तीन डिजिट को अरेंज करने के तरीके आपने क्या बोले थे? 6 बने बोले थे ना, तो 3 फैक्टोरियल हो गया फिर उसकी डिजिट, नंबर ऑफ वेज। अरे नहीं सुनाई ना आ रहा है क्या? सर आ रही है सर आवाज। ठीक है, तो नंबर ऑफ परम्यूटेशन तीन आइटम को अरेंज करने के तरीके 3 फैक्टोरियल हो गए। अरे दिया क्लियर है ये? यस सर। बेटा ऊपर 1 3 7 तीन नंबर थे, तो मैंने अभी इस फॉर्मूले से बोलू तो तीन नंबर को अरेंज करने के तरीके कितना हो गए? 3 फैक्टोरियल। और मैंने कल तुम्हें बताया था 3 फैक्टोरियल का मतलब है 3 × 2 × 1 बताया था, तो कितने तरीके आ रहे हैं बेटा? 6 आ रहे कि नहीं आ रहे? 1 2 3 4 5 तो बेटा कभी भी आपको बनाने की जरूरत नहीं है, आपको यदि अरेंज करना है तो उतना फैक्टोरियल आप लिख देंगे। जैसे 3 आइटम को अरेंज करना है तो 3 फैक्टोरियल, 5 आइटम को अरेंज करना है तो 5 फैक्टोरियल, 7 आइटम को अरेंज करना है तो 7 फैक्टोरियल, इस तरह से लिख देंगे। क्लियर है? यस सर। चलिए मैं एक प्रॉब्लम करके बताता हूँ। Find the number of words. Find the number of words with or without meaning. Without meaning. हमें इससे कोई मतलब नहीं, meaning है कि नहीं है, that can be formed. With the letters of the word. With the letters of word, equation, equation से आप कितने वर्ड बना सकते हो? इक्वेशन से हम कितने वर्ड बना सकते हो? तो पहले तो आप क्या बोलोगे, पहले तो काउंट करोगे कितने लेटर्स हैं इसके अंदर, काउंट करके बताना बेटा कितने लेटर्स हैं? 8 क्या कोई लेटर रिपीट हो रहा है क्या? नो सर नहीं हो रहा। बहुत अच्छी बात है, अभी तक हो रहा होगा तो हम कुछ अलग तरीके से ट्रीट करेंगे। तो बेटा नंबर ऑफ वर्ड्स इन 8 लेटर को हमें अरेंज करना है,
तो नंबर ऑफ वर्ड्स हो गया 8 फैक्टोरियल और 8 फैक्टोरियल की वैल्यू आप निकालोगे तो ये वैल्यू आएगी 40320 ये वैल्यू आएगी 40320 दिस इज द नंबर ऑफ वर्ड्स दैट कैन बी फॉर्म विद द लेटर्स ऑफ द वर्ड इक्वेशन क्या ये समझ में आया क्या यस सर यस सर दिया आप बताइए बेटा समझ में आया क्या यस सर तो यदि हम इक्वेशन से नंबर ऑफ वर्ड्स बनाएंगे तो ये 8 फैक्टोरियल आएंगे भवे भवे कहाँ है अच्छा ठीक है कुछ नहीं रहने दो तो इस तरह के बेटा नंबर ऑफ वर्ड्स आपके बनेंगे इक्वेशन अब देखो एक ही चीज और मैं तुम्हें इससे एग्जांपल देता हूँ जैसे आपके एन फैक्टोरियल कैसे यूज कर रहे हैं अपन ये सोचते मैं आपसे बोल रहा हूं कि इन हाउ मेनी वेज सिक्स पर्संस कैन बी अरेंज्ड इन अ रूम छह पर्सन को एक रो के अंदर कितनी तरीके से आप अरेंज कर सकते बोलिए भाई छह पर्सन को एक रो के अंदर अरेंज करना है भाई कोई भी आगे पीछे इस तरह से अरेंज करना है तो कितने तरीके से कर सकते हो सिक्स फैक्टोरियल भाई सिक्स फैक्टोरियल तो नंबर ऑफ वेज हो गया आपका सिक्स फैक्टोरियल ये सिक्स फैक्टोरियल क्यों हुआ समझना आया क्या yes, sir. भाई कोई भी आगे पीछे करके इस तरह से छह तरीके सिक्स फैक्टोरियल तरीके से अरेंज हो सकता है और यदि ऐसे नहीं समझ में आया तो सबसे बढ़िया तरीका यदि इस तरह से ये समझ में नहीं आ रहा कि सिक्स फैक्टोरियल कैसा है तो फिर अपना जो अपने फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन बोला था उससे भी कर सकते हैं ये पहली जगह ये दूसरी जगह ये तीसरी जगह ये चौथी जगह ये पांचवी जगह छठी जगह पहली जगह पर कितने तरीके से आप अरेंज कर सकते हो छह जनों को छह तरीके से अब एक जना कोई भी चल गया इन छह में से अब कितने जने बचे फाइव फाइव जगह पर अरेंज करने के तरीके कितने हो गए पांच फिर तीसरी सीट पर अरेंज करने के तरीके कितने हो गए चार तीन दो एक ये फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन से भी कर सकते हैं सिक्स इंटू फाइव इंटू फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू आया समझ में यस सर यस सर चलिए और देखो हाउ मेनी फाइव डिजिट नंबर हाउ मेनी फाइव digits number can be formed Papa ha beta diya beta ek kaam aur karna beta suno sun rahi hai kya beta with the digits 1 2 4 6 7 if repetition is not allowed Repetition of digit is not allowed. Repetition of digit allowed नहीं. कितने digit number है बेटा? Five digit. और आपके पास digit available कितने हैं? Five. Five. Zero आ रहा है क्या? No sir. नहीं आ रहा है तो बहुत बढ़िया बात है नंबर ऑफ फाइव डिजिट नंबर पांच डिजिट है और पांच ही फाइव डिजिट नंबर ही बनाना सो व्हाट इज द नंबर ऑफ फाइव डिजिट नंबर से बोल रहा सुन वो ग्रो है ना अपनी जो मेरी वाली है उसमें बल्ब पड़ा है वो देखा नहीं हो रही ना अभी बात करेंगे तो ये आ गया 5 फैक्टोरियल इक्वल टू 120 इसमें कोई डाउट बेटा ये समझ में आया क्या
यस सर। भाई इसको अपन फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन से करोगे तो भी यही आएगा। वो कैसे करोगे कल बताया था बेटा मैंने दिया, कैसे बताया था फाइव डिजिट नंबर ऐसे बताया था ना। Yes, इस जगह को पढ़ने के तरीके पांच, इसको चार, रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तीन दो एक, तो इसको मल्टीप्लाई किया था हमने, तो वही तो है फाइव फैक्टोरियल तो आ रहा है। आया यस सर। कंगना क्लियर है बेटा? कहाँ गई, भाग गई क्या? यही है चिरायो, होमवर्क नहीं भेजा है, सब देख रहा हूं मैं, नहीं आज नहीं मिलेगा तो देख लेना तू। मृदुल तेने भी नहीं भेजा है? यस सर अभी भेज। हाँ आज भेजना ही होमवर्क, दिन में भेज तो दिया। किसने? मैंने। किसने, नाम बता। चिरायु। कब भेजा था ने? मैंने देख लिया क्या? हाँ सर आपने देख भी लिया। अरे यार मैं सुबह से क्लास में हूँ इसलिए मुझे पता नहीं है, देख मैं इवनिंग तक लगातार क्लासे होती है इसलिए मुझे ज्यादा ध्यान नहीं है। चलो मैं 8 बजे बाद देखूंगा जो भी। तो ये 5 डिजिट नंबर बन गया भाई, 5 डिजिट नंबर, ये 5 डिजिट नंबर आपके बन गए। इसमें कोई डाउट? नो सर। नो सर। चलो एक सेकंड। नेक्स्ट प्रॉब्लम। तो ये तो हुआ भाई कि हमारे सभी को लेकर अरेंज करने का तरीका, भाई सभी चीजों को लेकर अरेंज करने का तरीका ये हुआ, तो हमें सभी को अरेंज करना है। अभी इस पे और प्रॉब्लम करेंगे लेकिन पहले मैं थोड़ी सी चीजें और बता देता हूँ तुम्हें। अब मैं बता रहा हूँ कि परम्यूटेशन में से कुछ ही को लेकर अरेंज करना है। तो नेक्स्ट आ रहा है परम्यूटेशन ऑफ ऑल थिंग्स out of n things is given by n p r ya p bracket mein n comma r। suppose aapko n thing hai aur n thing mein se sirf r thing ko arrange karna hai, r hi cheezon ko arrange karna hai, zyada ko arrange nahi karna lekin r ko arrange karna hai, to ye aayega n p r, एन में से आर को अरेंज करना है। और ये फॉर्मूला होता है बेटा एनपीआर, एनपीआर इक्वल टू एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल, दिस इज इक्वल टू एनपीआर। ये एनपीआर का फॉर्मूला, दिस इज द फॉर्मूला फॉर एनपीआर। इसमें कोई डाउट? No, sir. अब देखो इसको यूज कैसे करेंगे समझो। अच्छा आर की वैल्यू आपकी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, लेस देन इक्वल टू एन से ज्यादा नहीं हो सकती, एन के बराबर हो सकती है और जीरो से कम नहीं हो सकती। अब जैसे मैंने आपसे बोला जैसे 7 में से मुझे 3 को अरेंज करना, 7p3 मतलब 7 में से कोई भी 3 को अरेंज करना, तो पहले तो मैं ये फॉर्मूला यूज करना बता रहा हूँ। तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा 7 factorial divided by 7 minus 3 4 factorial। ये समझ में आया कि सबको? यस सर। दिया समझ में आया कि कैसे लिखा? अब बेटा 7 factorial को आप रिड्यूस करोगे 7, 6, 5, 4 factorial जब तक नीचे वाला नहीं आ जाता, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए तो ये कितना आ गया बेटा 210 आ गया। 7p3 की वैल्यू क्या आई भाई बोलो साहब? 210। अब 210 आ गया। तो बेटा मैंने ये तो है लेकिन कभी आपको वैल्यू निकालनी है सपोज, तो बेटा आप ऐसे भी निकाल सकते हो, जैसे मैंने बोला 10p4,
तो ये फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो, 10, 9, 8, 7 बस चार बार मल्टीप्लाई कर दो, 10 पे 4 का मतलब है 10 को चार बार मल्टीप्लाई कर दो, बस 10 × 9 × 8 × 7 ये आपका 10 पे 4 आ जाए। समझ में आया मैं जो बताना चाह रहा हूँ तुम्हें? यस यस सर। भाई फॉर्मूला लगाओगे तो भी यही आएगा। तो ये मैं इसको सोल्व कर रहा हूँ, तो ये मेरे को लगता है 5040 आ। जैसे मैंने बोला 12p3, बोलो 12p3 की वैल्यू क्या होगी? 12 × 11 × 10 आया। समझ में? यस सर। तो ये आ गया 1320। ठीक है? यस। अब जैसे कभी ऐसा प्रॉब्लम आ गया, मैं कभी कभी इस तरह की प्रॉब्लम आती है, देखो NP2 = 60 NP5, या उल्टा लिख दिया ऐसे, ऐसा कर NP5 = 60 NP5। हमने बोला n की वैल्यू निकाल, तो बेटा फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है इसमें आपको। NP5 मतलब n को आप 3 बार 5 बार रिड्यूस करो, तो बोलो क्या आएगा? n − 1 n − 2 n − 3 n − 4। बोलो क्लियर है? यस सर। NP5 को n × n − 1 × n − 2 × n − 3 × n − 4 पांच बार रिड्यूस कर दिया भाई मैंने। किसी को दिक्कत? नो सर। दिया बोलो बेटा, ये समझ में आया कि NP5 का मतलब? यस सर। अच्छा NP2 को क्या लिखेंगे कंगना? यूज NP2 को क्या लिखेंगे? N × n − 1 तो n से कैंसिल हो गया, n − 1 भी कैंसिल हो गया। अब बेटा ये लगातार कितने नंबर आ रहे हैं? 3। ये कंजुगेटिव 3 नंबर्स है, तो बेटा 60 को कंजुगेटिव 3 नंबर के फॉर्म में लिख के बताओ। 60 क्या होता है कंजुगेटिव 3 नंबर्स में? 5 × 4 × 3। वेरी गुड, 5 × 4 × 3। ये समझ में आया? कल बताया था ना मैं तो? दिया? यस सर। यस सर। अब इसमें सबसे बड़ा नंबर n − 2 और इधर सबसे बड़ा नंबर 5। हाँ जो आपकी इच्छा है, जो आपकी इच्छा जो है मेरे को पढ़ा ले, बाद में जो आपकी इच्छा होगी। n − 2 = 5, तो n का वैल्यू कितना हो गया बेटा? n का वैल्यू कितना हुआ? 7। आया? ये प्रॉब्लम क्लियर है? तो इस तरह से हम n की वैल्यू निकाल सकते हैं। जब परम्यूटेशन की बात करेंगे तो हमें जरूरी नहीं है, जरूरी तो तब होता है जब npr आ जाए, तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता बेटा, मुझे पता नहीं कितनी बार रिड्यूस करना, लेकिन हमें पता है 2 बार रिड्यूस करना है, 3 बार रिड्यूस करना है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हम आराम से उसको रिड्यूस कर सकते। चलिए और देखते हैं बेटा। कंगना, ओ कंगना भाग, अरे कहाँ चली जाती है, आवाज नहीं आ रही मेरी, क्या दिक्कत है तेरे को? क्लास बंद करने का वैसे ये भी एक तरीका है। चलो देखो एक और प्रॉब्लम देख।
फाइंड आउट फाइंड आउट इफ 5 मल्टीप्लाइड बाय 60 आर इक्वल टू 6 मल्टीप्लाइड बाय 60 आर 40 आर 6 मल्टीप्लाइड बाय 5 पी आर माइनस. अब इसमें मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बैठा, इसमें मुझे फॉर्मूला लगाना पड़ेगा क्योंकि ये आर वाला लफड़ा हो गया, तो मुझे अब इसमें फॉर्मूला ही लगाना पड़ेगा. इसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकता. 5 मल्टीप्लाइड बाय 4 पी आर इक्वल टू 6 मल्टीप्लाइड बाय 5 पी आर माइनस. अब देखना चाहिए 5 मल्टीप्लाइड बाय 4 पी आर 6 मल्टीप्लाइड बाय 5 पी आर माइनस. बेटा 4 पी आर को मैं क्या लिख सकता हूँ? 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस आर फैक्टोरियल. 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस आर फैक्टोरियल. 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस आर माइनस माइनस प्लस 1 फैक्टोरियल. बेटा ये समझ में आया? यस सर. यार बेटा ये समझ में आया 5 माइनस आर प्लस 1 कैसे हुआ पता है ना? यस सर. यस सर. अब ये हो गया बेटा 5 इंटू 4 फैक्टोरियल. एक बार पहले सिंप्लीफाई कर ले, डिवाइड बाय 4 माइनस आर फैक्टोरियल, 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, और ये हो गया 6 माइनस आर. अब हम इसको चालू करते हैं. बेटा ये 4 फैक्टोरियल है, ये 5 फैक्टोरियल है. पहले इस फैक्टोरियल को देखो, कौन बड़ा है? 5 फैक्टोरियल. इसको 5 फैक्टोरियल को पहले 4 फैक्टोरियल में कन्वर्ट करो. ये तो ऊपर वाला काम हो गया, ये कैंसिल, और 5 से 5 भी कैंसिल. इन दोनों में कौन बड़ा है? 6 माइनस आर फैक्टोरियल. 6 माइनस आर फैक्टोरियल. तो 6 माइनस आर फैक्टोरियल को यहां तक रिड्यूस करना है. 6 माइनस आर, 5 माइनस आर, और यहाँ रुक गया 4 माइनस आर. यहाँ तक कोई दिक्कत? नो सर. ये दोनों आपस में कैंसिल हो. अब यदि मैं इसको सोल्व करता हूँ, ये दोनों इधर चल जाएंगे, 6 माइनस आर मल्टीप्लाइड बाय 5 माइनस इक्वल टू 6. ये लगातार नंबर है बेटा, तो इसको लगातार नंबर के फॉर्म में क्या लिखेंगे? 2 into 3. बड़ा बड़ा छोटा, तो आपको इसको भी बड़े छोटे के फॉर्म में लिखो, नहीं तो फिर क्या तुम गलत करोगे? फिर बाद में तुम जल्दबाजी में इसको इससे कंपेयर करके गलत हो जाओगे. भाई ये बड़ा इंटू छोटा, ये बड़ा है या फिर छोटा, ये बड़ा है ये छोटा, मतलब उसी पेयर में रखो आप, ज्यादा अच्छा. क्लियर है बेटा मेरी बात? Yes, ये yes, बड़ा है और इधर भी ये बड़ा है. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर? 3. बोलिए आर की वैल्यू कितनी हो गई? 3 हो गई. इसमें कोई डाउट किसी को? नो सर. नो सर. अरे समझ में आया सबको? यस सर. ये था भाई इसमें आपका. और देखते हैं, तो कभी भी कोई नंबर आपको अरेंज करना है, कोई भी इस तरह से बनाना है, तो आप कर सकते हैं. जैसे मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, कुछ अलग टाइप की प्रॉब्लम दे रहा हूँ. फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट बॉक्स. फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट वर्ड्स दैट कैन बी फॉर्म्ड, दैट कैन बी फॉर्म्ड विद द लेटर्स ऑफ द वर्ड, विद द लेटर्स ऑफ द वर्ड डॉटेड.
so that first case all vowels occurs together. फिर ना इनको समझना है. All vowels occurs together. And second, words start with D and end with E. And third, vowels never occurs to me. Occurs to me. Vowels never occurs to me. ये वाली बात कर रहे हैं. तो पहले तो बेटा अपन देख लेते कि टोटल वर्ड्स कितने बनेंगे, कितने लेटर्स हैं भाई. एट. एट. तो नंबर ऑफ टोटल वर्ड्स कितने हो गए भाई जब तक केस नहीं लेंगे अपन. एट फैक्टोरियल. एट फैक्टोरियल. एट फैक्टोरियल मतलब 4032 जीरो. इसमें किसी को डाउट? नो सर. नो सर. क्लियर है बेटा यहाँ तक? अब देखो यहाँ पर पहला केस समझना भाई, ऑल वोवल्स अकर्स टुगेदर, इसको आप कैसे समझोगे ये समझो. जैसे हमने बोला कि मृदुल, पीयूष और रोहित, ये तीनों एक साथ बैठना चाह रहे हैं भाई. इन्होंने बोला कि सर हम तीनों एक साथ बैठेंगे और तुम्हारी क्लास में 8 जन. समझना, पहले मैं एक एग्जाम्पल देकर समझा रहा हूँ कि उससे आपको अच्छी तरह समझना है. मृदुल, पीयूष और रोहित, इन तीनों ने बोला सर हम एक साथ बैठे और 8 जन है क्लास में. तो मैंने सोचा कि यार ये तीनों एक साथ बैठे हैं तो मैं इनको एक ही यूनिट मान लेता हूँ. मैं जब इन्होंने सोच ही लिया कि तीनों एक साथ बैठेंगे तो मैंने बोला कि तुम तीनों एक मान लेता हूँ. तो यदि मैंने इन तीनों को एक माना तो बाकी बच्चे 5, तो मैं ये समझूंगा मेरी क्लास में 6 जन. क्या समझूंगा? मेरी क्लास में कितने जन है बेटा? 6 जन. भाई इन तीनों को एक माना, बाकी 5, तो कितना होगा भाई? बोलो बोलो कितने जन होगा सर? 6. अब इन 6 को अरेंज करने के तरीके? 6 फैक्टोरियल. 6 फैक्टोरियल दिया. ये समझ में आया मैंने जो अभी तक बोला? Yes, sir. भाई मैंने इन तीनों को एक मान लिया, बाकी बचे 5 और 1 6 जन हो गए मेरे. इनको अरेंज करने के तरीके 6 फैक्टोरियल. लेकिन बेटा ये तीनों अपनी जगह तो चेंज कर सकते हैं ना? ये तीनों अपनी जगह कितने तरीके से चेंज कर सकता है बोलो? 3 फैक्टोरियल. ये इसका टोटल वे हो गया. इसका मतलब इन्होंने तीनों ने सोच लिया कि हम तीनों एक साथ बैठेंगे तो 6 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 3 फैक्टोरियल इन तीनों को एक साथ बिठाने का तरीका है. ये आपस में जैसे तीनों पहली जगह पे बैठे, ये तीनों आपस में जगह चेंज कर लिया, बस आपस में करा और कहीं नहीं किया. तो इनको अरेंज करने के तरीके 6 फैक्टोरियल × 3 फैक्टोरियल. अब जो हमारा पहला केस है वो भी यही है. देखना क्या बोल रहा है. ऑल वॉल सकस्ट हो गया. वॉल कौन कौन है भाई? मैंने इन तीनों का एक मान लिया, बचे 5, हो गए 6. आया समझ में? आया समझ में? अब देखो नंबर ऑफ वेज इन विच ऑल वॉवल सकस्ट हो गया. छह को अरेंज करने के 6 फैक्टोरियल, लेकिन ये तीनों आपस में जगह चेंज कर सकते हैं इसलिए 2 फैक्टोरियल. तो बेटा इनका तरीका कितना हो गया? वोवल्स को सारे वोवल एक साथ आएंगे उसके कितने तरीके से हम इनको अरेंज कर सकते हैं? 4 3 2. ये समझ में आया कि सबको? यस सर. बेटा बाकी सबको समझ में आ गया? यस सर. यस सर. किसी को डाउट है? No. अब बेटा सेकंड वाला केस की बात करता हूँ. वर्ड किससे स्टार्ट हो रहा है? वर्ड किससे स्टार्ट हो रहा है सेकंड केस में? डी. डी से. और खत्म किसको हो रहा है?
word start with D and end with E. D से start हो रहा fix, E पे खत्म हो रहा है fix. भाई उसने बोला word D से start हो रहा है और E पे खत्म हो रहा है, तो ये दोनों fix हो गए. ये दोनों fix हो गए. D से start हो रहा है और E पे खत्म हो रहा है, तो ये दोनों फिक्स हो गए. इनको भूल जाओ क्योंकि ये फिक्स है. बचे कितने हैं? सिक्स. छह बचे भाई, दो तो फिक्स हो गए आपके. बाकी बेटा छह बीच के जो छह है उनको ही तो अरेंज करना है. अरे बीच के जो छह है इनको ही तो अरेंज करना है. तो नंबर ऑफ बेस, नंबर ऑफ बेस इनको अरेंज करने के तरीके कितना होगा भाई? तो वर्ड स्टार्ट विद बी एंड एंड विद ई, इसको स्टार्ट इसको अरेंज करने के तरीके हो गए हमारे सिक्स फैक्टोरियल 720. इसमें कोई डाउट? नो सर. आ गया समझ में ये? किसी को डाउट है बेटा? नो सर. अब मैं थर्ड वाला केस बोल रहा हूँ, बोवस नेवर अकर्स टू. कभी भी ये वाला केस आया, बोवस नेवर अकर्स टू. Vowels never occurs to me. तो बेटा ये टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स में से वो वर्ड हटा देना जब वोवल्स अकर आ गए. एक सेकंड. टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स माइनस नंबर ऑफ वर्ड्स व्हेन वोवल्स अकर्स टू मी, अकर्स टू मी. आ गया 40320 माइनस 432. बेटा 36,000 ऐसे नंबर हैं जिसमें वोवल कभी भी एक साथ, सारे वोवल एक साथ नहीं है. अब बेटा ये तीसरा वाला केस दोबारा समझ लो सब. वोवल सारे वोवल एक साथ नहीं आने चाहिए. तो हम टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स है हमारे 40320, उसमें से हम वाले वर्ड हटा दें जब सारे वोवल एक साथ आने. तो बाकी कौन से वर्ड बचेंगे जिसमें सारे वोवल एक साथ नहीं होंगे? क्या ये तीसरा केस समझ में आया क्या बेटा? यस सर. किसी को डाउट है बेटा बाकी को? नो सर. नो सर. तो बेटा आज का ये पार्ट था हमारा, ये हमने आज का पार्ट ये कंप्लीट कर लिया. कल की क्लास से अपन एक काम करें, फिर ये वाली क्लास अपन 7 बजे शिफ्ट कर दे, फिक्स कर दे इस वाली क्लास को. क्यों? ताकि बाकी लोग भी आ जाए रिवीजन के लिए. हैं? यस सर. भाई बाकी लोग भी आ जाए. बेटा तेरे को तो दिक्कत नहीं ना दिया 7 बजे में? नहीं सर. हाँ बोल दिया सर. मुझे तो चलेगा. चलेगा ना बेटा. ठीक है, तो कल अपन 7 बजे मिलेंगे भाई इस क्लास के लिए. 7 बजे मिलेंगे. और दिन में बेटा तेरी परसों से दिन में भी क्लास स्टार्ट हो जाएगी 2 बजे. दिया? ओके सर. हाँ कल कल तेरी 7 बजे रहेगी और परसों से दिन में भी स्टार्ट हो जाएगी. ठीक है ना? 2 क्लास लगेगी, मैंने पहले बोल दिया था मम्मी से, क्योंकि बेटा बहुत जरूरी है, नहीं तो एक क्लास में तो हमारा काम नहीं बनेगा. वो ये रिविजन भी करना होता है, सब कुछ करना होता है, हर एक चैप्टर का रिवाइज करना है. ऐसे थोड़ी छोड़ना है हमें कुछ भी चैप्टर. तो कल अपन 7 बजे मिलते हैं इस क्लास के लिए. और बाकी दिन में तो तुम्हारा कल लास्ट टॉपिक रहेगा, मतलब कल आपका जीपी का लास्ट रहेगा, वो कल कंप्लीट कर देंगे उसको. ठीक है ना बेटा? चलिए ठीक है. ठीक है.